पुणे से स्टार्ट करके हम बारी विलेज पहुंच चुके हैं जो कि इसका बेस कैंप है। और हम ट्रैक स्टार्ट किए हैं। 3 घंटे करीब लग रहे हैं। पहले हमें एक गाइड ने बोला 800 रुपये लेंगे आपको ऊपर तक ले जाने का। यहाँ एक पहला मंदिर है और दूसरा मंदिर है। पहला मंदिर छोटा है, 1 घंटा लगेगा। दूसरा मंदिर जाने में 3 घंटे लगेंगे। सबसे छोटी ट्रैकर अनिका अभी ट्रैक करते हुए ऊपर जा रही है। अनिका शी इज 3.5+ लेस देन 4 ईयर्स ओल्ड। और ये अनिका का पहला ट्रैक है कलसुबाई पीक द एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र को स्केल करते हुए। थोड़ा थोड़ा हम उसे हेल्प करते जा रहे हैं, बट शी सेड दैट हाँ वो कर लेगी खुद से। कमान अनिका, शाबाश, गो। और उसके साथ में अर्जुन जो पहले कई सारे पीक ट्रैक कर चुका है, इज़ ऑन द वे टू एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। गो बॉयज, गो गो, वेरी गुड, गो। माइलस्टोन जो कि कलसुबाई मंदिर है, नीचे में एक मंदिर है और ऊपर में एक बड़ा मंदिर है। हम लोगों ने एक छोटा ट्रैक पार कर लिया, लगभग 30 मिनट्स लगाया। और ये आपका एक मंदिर का नज़ारा है, पीछे मंदिर है। तो जो लोग ऊपर तक नहीं जाते हैं वो लोग ये मंदिर से भी दर्शन करके वापस जा सकते हैं। जो मेन ट्रैक है वो यहाँ से शुरू होता है। ये एक गेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माता कलसुबाई निवासी देवस्थान। तो यहाँ से हम गेट से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और यहाँ से लगभग हमें 1.5-2 घंटे का चढ़ाई है। अभी तो थोड़ा सा फ्लैट एरिया था और यहाँ से एक सिंगल रोड है। स्मॉल ट्रैक हम एक छोटा सा चेक पॉइंट पे रुके हैं। यहाँ पे बीच में खाना पीने का भी व्यवस्था है, बढ़िया सा स्टॉल वगैरह है। यहाँ पे चाय वाय, मैगी वैगी आप खा पी सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बीच बीच में रुक के आराम से चल सकते हैं। नींबू सोडा पानी, और ये एक नींबू सोडा पानी का खाने पीने का देवी के लिए मंदिर वगैरह के लिए चढ़ाना है, बंधन वगैरह। चाय नाश्ता पानी, पानी की दुकानें सारी है। हमें जाना है ऊपर, आपको दिखाता हूँ मैं वो सीढ़ियाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ, इधर से लो जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये इधर तक जाना है हमको। शाबाश, बहुत अच्छा निका, चलते जाओ। हाँ चढ़ते जाओ, शाबाश, तुम कर सकती हो, जाओ। बहुत अच्छा निका, बहुत अच्छे कर लोगे तुम, वेरी गुड। अभी लगभग 9 बजे हैं, अभी 9:15 हो रहा है। ये टाइम पे बादलों से घिरा हुआ है पूरा, ये देखिए बहुत सुंदर नज़ारा। हम अभी काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। छोटी सीढ़ियाँ अब ख़त्म हो गई है और अभी लोहे वाली सीढ़ियाँ चालू हो गई हैं, जिसका स्टीप और ज़्यादा है। और हमें अभी ऐसे ऊपर जाते जाना है। ओम नमः शिवाय। आगे हमें जाना है अभी वो ऊपर, ये इधर, और उसके भी ऊपर वो सीढ़ियाँ लेते हुए ऐसे ऊपर 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 वो ऊपर हम जाएंगे ऊपर। शाबाश अर्जुन, आ जाओ बेटा इधर, वेरी गुड। आ जाओ बेटा, आ जाओ, वेरी गुड अनिका, बहुत अच्छी बेबी, कम कम कम।
पास पहुंचने वाले हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावर्स है यहाँ पे, ब्यूटीफुल फ्लावर्स देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दूर तक छोटा वैली ऑफ फ्लावर जैसा दिख रहा है। और ये हमारा एक लास्ट ट्रैक है, हम वहाँ तक जाएंगे, हम वहाँ तक जाएंगे और वहाँ से हम सीढ़ी चढ़ के, वहाँ पे सीढ़ी बनी है और ये लास्ट ऊपर बादलों के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली इस सीढ़ी से चढ़ के हम ऊपर आ गए हैं और ये देखिए यहाँ का नज़ारा। हम हैं हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ महाराष्ट्र और ये हाइट है 1646 मीटर, 1646 मीटर्स। ये जर्नी हमने लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। हम सुबह निकले थे 7:10 में, अभी लगभग 12 बज रहे हैं। हमें 5 घंटा लगभग लग गया आराम से, हम आए रुकते हुए। सारे लोग हम लोग पहुंच गए हैं और ये हम लोग पूरा अच्छे से पहुंच गए हैं। ये है अनिका का भी ट्रैक पूरा हो गया है। अनिका, अनिका ने ट्रैक पूरा कर लिया है। कल सुबह ट्रैक फाइनली कंप्लीटेड। तो अभी हमारी यहाँ की मैक्सिमम ट्रैक पूरी हो गई है। अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे और फिर ये वीडियो क्लोज कर देंगे। बाय से अर्जुन भाई, बाय, हम पहुँच गए, बोलो बाय, हम पहुँच गए। इट वाज अ गुड ट्रैक, फिर मिलते हैं।